तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स एंड अ शाउट आउट टू भूमि कश्यप कमेंट करने के लिए। और उनका कमेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि आज मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मार्वल कॉमिक्स तो दूर कोई अमेरिकन कॉमिक बुक्स में भी नहीं आया है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ द फेमस एंड लेजेंडरी चाइनीज मिथिकल फिगर वुकोंग के बारे में, जिसे हम फेमसली या फिर पॉपुलरली द मंकी किंग के नाम से जानते हैं। तो अभी छोटा सा एक बैकग्राउंड या फिर हिस्ट्री जान लीजिए वुकोंग के बारे में। तो वुकोंग का अपीयरेंस होता है इन द 16th सेंचुरी चाइनीज नॉवेल जिसका नाम था जर्नी टू द वेस्ट। तो यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि वुकोंग या फिर सन वुकोंग का जन्म होता है फ्रॉम अ स्टोन या फिर पत्थर जिसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स थे। अब वो सुपरनेचुरल पावर्स उसके अंदर कैसे आए वो मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ मंकी किंग या फिर वुकोंग। तो फिलहाल के लिए ये आप बोल रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि स्वर्ग या फिर हेवन के अगेंस्ट रिबेल करने के बाद वुकोंग को इम्प्रिजन कर लिया गया अंडर ए माउंटेन बाय नन अदर देन लॉर्ड बुद्धा। फिर 500 साल बाद वुकोंग टांग सांग सांग नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्ग और दो और बुद्धिस्ट मॉन्ग के साथ मिलके जाते हैं वेस्ट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जहाँ पे बुद्धा और उसके जो फॉलोअर्स है जहाँ पे रहते थे, ताकि वो वहाँ से जो बुद्धिस्ट सूत्रास है उसको रिकवर कर सके। तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड, और जो एबिलिटीज़ या फिर जो पावर्स है वो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ नल के बारे में। तो अब वुकोंग के जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है यार, मुझे तो यूनिक लगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है उसका अमेजिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फोकलोर या फिर अकॉर्डिंग टू द नॉवेल, वुकोंग दो ह्यूज हेवन माउंटेंस को अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहा था जब वो एक मिटियोर के स्पीड से भाग रहा था। जी हाँ, जब एक मिटियोर अर्थ पे स्ट्राइक करता है तो उस टाइम उसका जो स्पीड होता है उसी स्पीड में वुकोंग ट्रैवल कर सकता है, मतलब ट्रैवल कर रहा था, और उसी वक्त उसके दोनों शोल्डर्स पे हेवन के दो हेवी माउंटेंस थे। दूसरा जो है उसका एक्सट्रीम स्पीड, वो एक्सट्रीमली फास्ट है, और अकॉर्डिंग टू द नॉवेल वो 54,000 किलोमीटर या फिर 34,000 माइल ट्रैवल कर सकता है या फिर कवर कर सकता है इन वन समरसॉल्ट। जी हाँ, उसके एक समरसॉल्ट से वो इतना सारा जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है। तीसरा जो है सन वुकोंग 72 अर्थली ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता है, मतलब 72 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसको परफॉर्म करना आता है, और उसी की वजह से उसके पास 72 काइंड ऑफ यूनिक पावर्स है, जिसमें एक पावर जो है वो है कि वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चौथा है वो एक स्किल्ड फाइटर है, बेस्ट फाइटर इसलिए क्योंकि उसने काफ़ी सारे हेवेंस के बेस्ट वॉरियर्स को हरा दिया था। फिफ्थ जो है वो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हम लोग मूवीज़ में या फिर नॉर्मल में देखते आ चुके हैं, वो है उसके हेयर। उसके हेयर में मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि वो अपने हेयर की मदद से अपने जैसे ही काफ़ी सारे कॉपीज़ को बना सकता है, किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है उस हेयर को, या वो किसी वेपन्स हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकता है, या फिर कोई दूसरे चीज़ हो सकता है। और दो स्किल्स या फिर दो पावर्स है वो है कि वो पार्शियली वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। जी हाँ, और लास्ट जो है वो पीपल या फिर इंसान, किसी भी इंसान को एक जगह पे स्टिल खड़ा कर सकता है, मतलब काइंड ऑफ स्टैचू कर दे सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज फिक्सिंग मैजिक। तो ये सारे थे वुकोंग के एबिलिटीज़। तो अब यहाँ से हम लोग जाते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंडर टू डिस्कस अबाउट द मार्वल डेटी द सिम्बियोट गॉड नल के बारे में। तो नल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नल को मतलब ऑब्वियसली मैंने अपने वीडियोस में बता चुका है काफ़ी बार नल के बारे में, और सभी नल को जानते हैं। फिर भी बता देता हूँ, नल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स के क्रिएशन से भी पहले से था, और जब सेलेस्टियल्स वहाँ पे आए तो नल को अपने एग्जिस्टेंस मतलब अपने किंगडम में किसी और का घुसना उसको पसंद नहीं आया, और तभी उसने अपने परछाई से एक स्वॉर्ड निकाला जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, और उसी स्वॉर्ड की मदद से उसने एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। तो नल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इमोर्टलिटी एंड हीलिंग कैपेबिलिटी है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नल और वुकोंग के जो एबिलिटीज़ है वो एक जगह पर सिमिलर होता है,
वो ये है कि जैसे वो कॉन्ग अपने बालों की मदद से अपने जैसे काफ़ी सारे कॉपीज बना सकता है या फिर कोई भी वेपन या फिर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, वैसे ही नल अपने डार्क पावर को मैनिफेस्ट करके किसी भी तरह के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो किसी भी तरह के एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है जिसे वो द लिविंग एबिस कहता है। यार क्या बोल रहा हूँ, हिंदी ख़राब हो जा रहा है मेरा। और सिर्फ यही सिमिलरिटी नहीं, और भी सारे सिमिलरिटीज़ हैं नल और वोकॉन्ग के बीच। वो ये है कि नल वोकॉन्ग की तरह या फिर वोकॉन्ग नल की तरह, जो भी कहे की बात है, दोनों एक दूसरे की तरह शेप शिफ्टिंग कर सकता है। जहाँ पे वोकॉन्ग 72 टाइप्स ऑफ शेप शिफ्टिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, वहीं पे नल भी शेप शिफ्टिंग कर सकता है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जहाँ पे वो अपने ह्यूमन लाइक माउथ को इलांगेट कर सकता है विथ फैंग्ड जॉज, बड़े बड़े दांतों से और इलांगेट और लंबे जीभ से, जो कि एक सिम्बियोट का ट्रेडमार्क है मैं कहूँगा, ठीक है। दूसरी तरफ नल एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फाइटर एंड कॉम्बैटेंट है, जो कि अपने ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड की मदद से काफ़ी सारे गॉड्स को मार चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ वोकॉन्ग भी कमाल का फाइटर है जो हेवन के बेस्ट फाइटर्स को हरा चुका है। तो अभी सवाल ये है कि जीतेगा कौन, नल या फिर वोकॉन्ग? मेरे हिसाब से ये एक अनफेयर फाइट होगा, मतलब दोनों को फेस ऑफ करवाना मेरे ख्याल से अनफेयर होगा, क्योंकि दोनों अपने अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये मैं कहूँगा। फिर भी अगर वीडियो के खातिर मैं ये समझ लूँ कि दोनों का फाइट हो भी रहा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे द विनर विल बी नल, ठीक है। अभी वोकॉन्ग के जो सपोर्टर्स या फिर फैंस है वो मुझसे मतलब ऑफेंस मत हो जाना, क्योंकि मैं खुद वोकॉन्ग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। पर इसीलिए मैं ज़्यादातर रिलाई करूँगा ऑन दिस फैक्ट कि अगर इन दोनों मतलब क्या बोल रहा हूँ ऑन दिस फैक्ट कि दोनों अपने अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और दोनों का फाइट करवाना मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेयर दिखेगा, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजेंडरी टाइप के कैरेक्टर्स हैं, तो और मैं इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं मिले कि मैं किसी को एक क्लियर कट विनर डिक्लेयर कर सकूँ। ये वो हो गया, मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था अपना गोकू और वर्सेस साइतामा, वहाँ पे भी मैंने सेम बताया था कि अगर दोनों का फाइट हुआ तो कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों अपने अपने यूनिवर्स में पावरफुल है। वही मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ अगेन, और अगर मैंने फिर से रिपीट किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही, दोनों अपने अपने यूनिवर्स में नहीं बोलूँगा मैं फिर से, नहीं रिपीट करूँगा, बहुत बार बोल दिया। खैर आज का वीडियो इतना ही, अगर ऐसे यूनिक आइडियाज़ आप लोगों के पास है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो आने में लेट हो रहा है ज़रूर, क्योंकि प्रोजेक्ट और मतलब स्टडीज़ एंड एग्जाम्स से लेके बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट टाइप की सिचुएशन रहूँ, क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने में, और ऐसे ही कमेंट्स करते जाना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। यार क्या हो गया मेरा हिंदी को आज।